बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बीएसएन जेनेरिक नर्सिंग फोर इयर्स डिग्री लेवल प्रोग्राम पंजाब के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के सिलेक्टेड स्टूडेंट को ग्रेजुअली ज्वाइनिंग लेटर या एडमिशन कंफर्मेशन लेटर और साथ ही साथ नोटिस बोर्ड पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आवेजा होने का सिलसिला इस वक्त शुरू है। इससे पहले हमने आपके साथ मया हॉस्पिटल लाहौर का ज्वाइनिंग लेटर शेयर किया। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान का ऑफिशियल नोटिस शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए है और एडमिशन कंफर्मेशन या फिर जॉइनिंग लास्ट डेट 1 दिसंबर 2020 रखी गई है। अगर इस डेट तक कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट सीट कंफर्म नहीं करवाता तो उसका एडमिशन कैंसिल तसव्वुर होगा और उसकी सीट नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में आने वाले मेरिट पर कैंडिडेट को दे दी जाएगी। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे तमाम कॉलेजेस के सिलेक्टेड स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपको कॉल लेटर या फिर फ़ोन कॉल कॉलेज की तरफ से रिसीव नहीं हुआ तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही रिसीव हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट अक्सर पूछ रहे हैं कि अब कोविड-19 की वजह से फिर से एजुकेशनल वेकेशन दे दी गई है जनवरी तक, तो याद रखें कि नर्सिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर नॉर्मल स्कूल या कॉलेज एजुकेशन से मुख्तलिफ है और नर्सिंग डिपार्टमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज हैं, और जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू नहीं करता तब तक नर्सिंग कॉलेजेस क्लोज नहीं हो सकते, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड और फिर कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट के रूल्स के तहत चलते हैं। और ये भी याद रखिए कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में अपने डे ऑफ के अलावा कोई वेकेशन नहीं होती पूरे ईयर में, और ऐसे ही नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के रूल फॉलो करना होते हैं, ना कि नॉर्मल एजुकेशन स्कूल या कॉलेजेस के। इसीलिए तमाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्लासेस जनवरी में ही होगी। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि अगर कोविड-19 पेंडेमिक पॉजिटिव रेशू ज़्यादा रहा तो हो सकता है कि नर्सिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट भी क्लोज हो जाए, मगर उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करेगा। अब आते हैं एडमिशन कन्फर्मेशन नोटिस के ऊपर, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते भी हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, रिफरेंस नंबर 933-34 डेटेड 24 नवंबर 2020। नोटिस: All the candidates who have been selected for admission in 4 years BSN generic degree program at College of Nursing Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan are hereby directed to submit their documents mentioned below original plus photostat copy to Mr. Sajid Hussain, Senior Clerk, College of Nursing Sheikh Zayed Hospital Rahim Yar Khan within 7 days positively from the date of its issuance for confirmation of admission. यानी कि यह नोटिस आज ही 24 नवंबर 2020 को इशू हुआ है और तमाम सेलेक्टेड स्टूडेंट को जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में सेलेक्ट हुए हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, जो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे, सबमिट करवाएं विद इन 7 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, यानी कि 7 दिन के अंदर ही कॉलेज ऑफ नर्सिंग के क्लर्क मिस्टर साजिद हुसैन को, ताकि उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नंबर 1 मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, नंबर 2 स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 3 FSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट और जिनका सर्टिफिकेट नहीं वो मार्कशीट सबमिट करवाएं, नंबर 4 कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट, नंबर 5 डोमिसाइल, नंबर 6 इंटर बोर्ड माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इंटर बोर्ड माइग्रेशन की हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमने आपको बताया और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं, और मजीद स्टूडेंट को फोटोस्टेट कॉपीज़ भी सबमिट करवानी है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट के 2 सेट फोटोकॉपीज अटेस्टेड सबमिट करवाने हैं और 6 कॉपीज़ तमाम डॉक्यूमेंट्स की विदाउट एनी अटेस्टेशन भी सबमिट करवाने हैं, और ये तमाम डिटेल भी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और साथ ही साथ अब आपको बताते भी हैं। फोटोस्टेट कॉपीज़ में स्टूडेंट ने मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, FSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट, कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, CNIC या जिनका CNIC नहीं बना उनके लिए फॉर्म भी सबमिट करवाना लाजमी है, फोटोग्राफ विदाउट एटेस्टेशन, पासपोर्ट साइज़ 5 और NIC साइज़ भी 5 फोटोग्राफ सबमिट करवाने हैं। सीरियल नंबर 6 तक तमाम डॉक्यूमेंट्स की 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ और 6 विदाउट अटेस्टेशन कॉपी सबमिट करवानी है। आगे इस नोटिस में लिखते हैं, इन केस ऑफ नॉन डिपॉजिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद स्टिपुलेटेड पीरियड द एडमिशन ऑफ कंसर्न कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली एंड नेक्स्ट चांस विल बी गिवन टू द वेटिंग कैंडिडेट। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, कार्बन कॉपी मिस्टर साजिद हुसैन, सीनियर क्लर्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान, नंबर 2 ऑफिस फाइल।
यानी कि अगर स्टूडेंट दिए गए वक्त में जो कि 7 दिन इस नोटिस के इशू होने के बाद यानी 1 दिसंबर 2020 तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते किसी भी वजह से, उस स्टूडेंट का एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट वेटिंग स्टूडेंट को चांस दे दिया जाएगा। ये नोटिस प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल रहीम यार खान ने इशू किया है और इसकी कॉपीज मिस्टर साजिद हुसैन सीनियर क्लर्क कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जायद हॉस्पिटल को भी सेंड की गई है और साथ ही साथ एक कॉपी ऑफिस रिकॉर्ड फाइल के लिए भी सेंड की गई है ताकि इंस्टीट्यूशन में इसका रिकॉर्ड पड़ा रहे। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अगर स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।